छूट मिलना चाहिए। सांसदों के बंद कर दे चूंकि उनके पास तो सब कुछ है लेकिन पब्लिक के पास कुछ भी नहीं है। अब सरकार से लड़ तो नहीं सकते, अगर सरकार की गरीब आदमी की तो और मदद करनी चाहिए सर, बुढ़े आदमी को और क्या आगे कम करना चाहिए। जो सुविधाएं मिलती थी वो भी बंद कर दी। यही है कि ये जितनी पेंशन है पहले मिल रही थी वो कम से कम उससे राहत दी रहो। भाई जब इन्होंने कर्मचारियों की भी पेंशन वगैरह ये रेलवे की सुविधाएं वगैरह सभी चीज करती है तो विधायक और सांसदों की भी ये सुविधाएं सारी बंद होना चाहिए। तो हम लोग जब रिजर्वेशन कराते हैं तो धक्के खाना पड़ते हैं। तो सीनियर सिटीजन कंसेशन मिलेगा तो सीनियर सिटीजन आने जाने के लिए तैयार रहेगा, जब जाएगा नहीं तो बीमार होकर घर पर पड़ा रहेगा। रेलवे में कंसेशन मिलना चाहिए, जैसे हम लोग बुजुर्ग वगैरह कहीं घूमने जाना चाहें तो जाए। साहब बहुत परेशानी हो रही कोरोना काल के बाद में, कोई जो है फंका नहीं है। नमस्कार, मैं हूं उदय कुशवाहा और आप देख रहे हैं कालखंड न्यूज। देश में वोट देने वाले वरिष्ठ नागरिकों को रेल छूट न मिलने के कारण भले ही अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी लेकिन उन्हीं के वोट से बने सांसद और हो चुके पूर्व सांसद को रेल यात्रा में सब्सिडी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। तो आज इसी मुद्दे पर जानते हैं जनता जनार्दन की राय। कोरोना काल में सरकार ने जो सीनियर सिटीजन को 50% रेल टिकट पर छूट मिलती थी उसे बंद कर दिया है, जबकि सांसदों को अभी भी दे रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? छूट मिलना चाहिए। तो सांसदों को दे रहे हैं तो जितने गलत है, सीनियर सिटीजन बंद कर दिया है। सांसदों को बंद कर दे क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है लेकिन पब्लिक के पास कुछ भी नहीं है। छूट ना मिलने के कारण सीनियर सिटीजन और सीनियर परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत सारी परेशानी है, अब उसमें आपको जो निर्धन लोग हैं वो अच्छे से यात्रा नहीं कर पा रहे, अपना स्लीपर का टिकट भी नहीं बनवा पा रहे, जनरल में धक्का खा के जा रहे हैं, और अगर छूट मिलेगी तो वो बेचारे कम से कम स्लीपर में तो सफर कर सकते। कोरोना काल में सरकार ने रेल टिकट में 50% की सीनियर सिटीजन को छूट दी जाती थी उसे बंद कर दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? तो सरकार को अपना फैसला वापस लेकर फिर से छूट जारी करनी चाहिए। अब सरकार की चली गई व्यवस्था जबरदस्ती सरकार पर, क्योंकि सांसदों को विधायकों को तो बराबर सब्सिडी दी जा रही है यात्रा में, तो बड़ो मर्जी की है बहुत कर। कोरोना काल के बाद सरकार ने रेल टिकट पर सीनियर सिटीजन को 50% की छूट दी बंद कर दी, अब आप क्या चाहते हैं दोबारा चालू होना? हाँ, होना चाहिए ना। छूट न मिलने के कारण सीनियर सिटीजन को किन किन परेशानियों परेशानी करना ही पड़ता है, पैसा नहीं मिलता है, उम्र होने के बाद बहुत सारा परेशानी आता है। सीनियर सिटीजन को पहले 50% की छूट मिलती थी रेल टिकट पर उसे बंद कर दिया गया, क्या चाहते हैं? सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए और छूट दोबारा जारी करना। अब हम क्या बोल सकते हैं साहब किसी के सामने, अब सरकार से लड़ तो नहीं सकते, अगर सरकार की गरीब आदमी की तो और मदद करनी चाहिए साहब, बुढ़े आदमी को और क्या आगे कम करना चाहिए, क्या बोल रहे? सरकार अभी तक इस मसले पर खामोश है, आप क्या कहेंगे? अगर हो जाएगा तो सबके लिए, हमारे के लिए क्या, जनता के लिए भलाई का काम है सर, सबको छूट मिलना चाहिए। क्योंकि सांसद विधायक को बराबर छूट दी जा रही है, क्या है, गलत है? नहीं सही है सर, उसमें क्या है अगर कर देंगे तो और बढ़िया रहेगा सर। भाई ये सीनियर सिटीजन को रेल टिकट पे 50% की छूट मिलती है, कोरोना काल से बंद हो गई, अब सीनियर जी अब सीनियर सिटीजन को किन किन समस्याओं का सामना करना मिलना चाहिए बस। जी जी आप सुविधाएं जो पूर्व थे वो सुविधा मिलना चाहिए उनको, सभी सुविधाएं जो सांसद है विधायक है पेंशन वेंशन ले रहे हैं, बाकी लोगों को जो है क्या सुविधाएं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो जो सुविधाएं मिलती थी वो भी बंद कर दिया है, कम से कम ये सुविधा चालू होना चाहिए। भाई आपको क्या कहना है? यही है कि ये जितनी पेंशन है पहले मिल रही थी वो कम से कम उससे राहत दी लोगों को, आज जो बंद हो गई तो थोड़ा सीनियर सिटीजन को थोड़ी दिक्कत होती है। और अब आप सरकार से क्या मांगो? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि शुरू हो जाए। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली 50% का छूट दी उसे बंद कर दिया, अब इससे क्या क्या परेशानी हो रही? यही परेशानी हो रही, हम लोग भीड़ के मारे हम बोले आप बहुत ही परेशान हो यार। लेकिन नेताओं को 10 साल की उम्र है पहले फिर मिलेगी, और यहाँ से कोरोना काल हो इसके बाद बंद कर।
लेकिन नेताओं को अभी भी दी जा रही है, नेताओं को अभी भी दी जा रही गलत है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते। बाबूजी, कोरोना काल में जो सीनियर सिटीजन को 50% रेल टिकट पर छूट मिलती थी, वो कोरोना काल में बंद कर दी गई। अब बुजुर्गों को क्या परेशानियों को सामना करना पड़ेगा? परेशानी क्या, पहले भी हम लोग जाते थे, अभी भी जाते हैं। पहले हम लोगों को सुविधा मिलती थी तो ठीक रहता था, अब जो है जाते तो अभी भी हैं, बिना ऐसा तो है ना कि जाते नहीं है। और ये सुविधा फिर से बहाल होनी चाहिए। बाबू जी, आपकी क्या राय है इस पर? भाई, जब इन्होंने कर्मचारियों की भी पेंशन वगैरह, ये रेलवे की सुविधाएं वगैरह सभी चीज बंद कर दी है, तो विधायक और सांसदों की भी ये सुविधाएं सारी बंद होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। क्योंकि कर्मचारी को जब विधायक बनता क्यों है, हम ही लोगों की वजह से बनता है, तो इनकी भी सारी सुविधाएं बंद होना चाहिए। अन्यथा इनकी बंद नहीं करते तो कर्मचारियों को भी ये सारी सुविधा दे होना चाहिए। भाभी, आपकी क्या राय? हमारा तो ऐसा है कि सब जो सुविधाएं मिलती थी उससे हम लोगों को फायदा तो होता ही था, अब नहीं मिलती हैं तो अब क्या करें। वो सब चल रहा है, लेकिन होना चाहिए, मतलब सुविधाएं रेलवे में कंसेशन मिलना चाहिए, जैसे हम लोग बुजुर्ग वगैरह कहीं घूमने जाना चाहें तो जा सके। तो क्या बाबू, अब क्या क्या उनकी समस्याओं को सामना करना पड़ेगा? समस्याएं तो बहुत काफ़ी आ जाती हैं। पहले हम लोग जो कंसेशन मिलता था उसमें रिजर्वेशन में हमको जो है लोअर बर्थ मिलती थी, बूढ़े आदमी जो ऊपर नहीं चढ़ पाते वो नीचे की बर्थ पर बैठ के अपनी यात्रा करते। अब चूंकि कंसेशन काट दिया, उन्होंने बंद ही कर दिया, तो अब वो लोअर बर्थ ही हम लोगों को नहीं मिलती। तो हम लोग जब रिजर्वेशन कराते हैं तो धक्के खाना पड़ते हैं हम लोगों को, तो हमको नीचे की सीट नहीं मिल पाती है, ऊपर चढ़ना पड़ता है। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं कि अगर मान लो आप विधायकों को और सांसदों को दे रहे हैं तो हम सीनियर सिटीजन को भी आप कंसेशन दीजिएगा। जब सीनियर सिटीजन को कंसेशन मिलेगा तो सीनियर सिटीजन आने जाने के लिए तैयार रहेगा, जब जाएगा नहीं तो बीमार होकर घर पर पड़ा रहेगा, घूमने फिर नहीं पाएगा। कम से कम घूमने के लिए उसको थोड़ा सा कंसेशन मिलेगा तो आदमी की इच्छा होगी, चलो हम कहीं और घूमिए, अपने बेटा लड़का बहू से भी मिले। जब कंसेशन नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी तो वो कैसे जाएगा, पड़ा रहेगा घर में आराम। पहले सीनियर सिटीजन का आधा किराया लगता था, लेकिन कोरोना काल से पूरा कर दिया, तो अब सीनियर सिटीजन को क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही कोरोना काल के बाद में, तो कोई जो है सुनता नहीं है, आदमी चढ़ पाते जनता नहीं भी चढ़ पाते, वृद्ध आदमी नहीं चढ़ पाते गाड़ी में, तो वो वहीं खड़े होकर रह जाते, फिर दूसरी गाड़ी का इंतजार करते। तो अब क्या चाहते जी, फिर से छूट देना प्रारंभ? हाँ जी, फिर से छूट देना शुरू हो जाए तो काफी सहूलियत हो जाएगी, बूढ़े बुजुर्गों वालों को, आने जाने वालों को सुविधा मिल जाएगी। तो आपने देखा कि रेल टिकट में छूट न मिलने के कारण सीनियर सिटीजन को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेल यात्रा में जो उन्हें फायदा मिलता था, वह भी सरकार ने छीन लिया है। सवाल यह है कि सीनियर सिटीजन अंतिम दिनों में कहां जाए और किससे अपने लिए न्याय की गुहार लगाए। उदय कुशवाहा, कालखंड न्यूज, झांसी।